हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन धनकर्स व्लॉग चैनल। तो अभी बस सो के उठे हैं, सवेरे के 10 बजे हैं और आज भी छुट्टी है। आज 31st है अक्टूबर, हेलोवीन है आज। तो आज कुछ स्पेशल सोचा तो नहीं है, पर करते हैं चलो प्लान। अभी बस जस्ट अभी उठे हैं और जब बस डॉग्स को घुमा के आए। ये देखो रॉक्सी, और आज गाइज एक और चीज़ जो है वो आ गई हमारी। अभी देखो मैं बस बाहर ही गया था और ये पार्सल हमारा आ गया है। इसमें कुछ अपना इम्पोर्टेंट पार्सल है ये, अभी आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाएंगे कि क्या है। सो गाइज ये रहा हमारा पार्सल, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है। सो भाई जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर है Asus का गेमिंग लैपटॉप। सो मैंने ये ऑर्डर करा था Asus का गेमिंग लैपटॉप, जो कि मुझे पड़ा अराउंड $1200 के। जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और जो है देखते हैं हमारा Asus का नया गेमिंग लैपटॉप कैसा है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अपने गेमिंग लैपटॉप को अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। वाह, इसमें सबसे पहले ये कुछ स्टिकर्स दे रखे हैं, स्टेट ऑफ गेमिंग। इसको रखते हैं साइड में और ये रहा हमारा लैपटॉप। ये पैक्ड, इसको भी रखते हैं साइड में। और ये कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन है और फिर ये ब्रिक है 240 वोल्ट और ये इसका चार्जर। अब लगते हैं लैपटॉप के ऊपर। तो गाइस ये हमारा निकलते हुए लैपटॉप आया। लिफ्ट करते हैं और ये आ गया हमारा लैपटॉप बार और ये इसकी, और ये कुछ स्टिकर्स मिले हैं ताकि हम अपने लैपटॉप पर लगा सकें। तो अब क्या, तो इसके बाद आपको जो है वीडियोस में और जो है एडिटिंग में बहुत ज़्यादा फर्क दिख जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है इतनी हैवी मशीन परचेज कर ली है। तो इसको ऑन टर्न ऑन करते हैं। सबसे पहले इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, बिना चार्जिंग के टर्न ऑन नहीं होगा। ये देखिए गाइस, ये हो गया टर्न ऑन। Asus इंसर्च इनक्रेडिबल। सो गाइस दिन में हो गया था बहुत सारा काम, तो अब जो है हमारे पास हमारा टाइम हो गया 5 बजे का और हम रेडी हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज हेलोवीन पे स्ट्रीट्स पे क्या है, और थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी है जो जो कि हम करेंगे। अपना वॉलमार्ट में चलेंगे और ग्रोसरी करेंगे और चलते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको अपने भाई से मिलाता हूँ। ये मेरा यार दोस्त है, देखो ये है हेलोवीन की प्रिपरेशन गाइस। आधे रास्ते में हमें याद आया कि जो है वॉलेट तो हमारा घर पर रह गया, दोबारा घर आए हैं, वॉलेट लेते हैं और फिर जाते हैं। ये वॉलमार्ट वाले परेशान करते हैं, इनके पास एप्पल पे होता ही नहीं है। अगर फ़ोन से हम फ़ोन हमारे पास था, ये अगर एप्पल पे होता ना इनके पास, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी वॉलेट की। चलो मैं लेके आता हूँ।
गाइस आ गए हैं ग्रोसरी आउटलेट और थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं यहाँ से, अपना ग्रोसरी लेते हैं और फिर देखते हैं हेलोवीन की क्या प्रिपरेशन हुई हुई है पूरे उसमें। सो गाइस ये देख सकते हो आप, ये ग्रोसरीज हो गई हमारी डन, ये सारा ग्रोसरी का सामान आ गया हमारा और अब चलते हैं एक बार कोस्को जाएंगे और देन वी विल सी व्हाट इज गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स। सो हमने देखा कि सभी लोग कुछ ना कुछ कॉस्ट्यूम्स पहन के घूम रहे हैं हेलोवीन पे, स्कैरी बन के घूम रहे हैं एक दूसरे को डराने के लिए, तो हमने भी ट्राई करा है कुछ। ये वो देखो वो भी घूम रहा है लगा के। एक मूवी है उसका नाम है हश, शायद उसमें वो उस लड़की को मार देता है उसके बिल्ली को और उसको। मनु सच में स्कैरी लग रहा है इसको, मुझे ये मास्क कभी घर पे दिखना नहीं चाहिए, इसको छुपा दिया जाके। कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, ये है हॉन्टेड हाउस। सो गाइस आ गया घर पर और अभी हम घुमाएंगे डॉग्स को और घूमेंगे अपनी लोकेलिटी में, देखेंगे कौन है या नहीं है मास्क पहन के। लेट्स सी, अपनी लोकेलिटी में घूम रहे हैं गाइस, देखते हैं कोई पता है कोई भी। ये देखो गाइस किसी ने डेकोरेशन तो कर रखी है हेलोवीन की पर कोई नजर नहीं आ रहा बाहर। सबने अपने घर के बाहर पंपकिन रख रखे है गाइस, देखो एक पंपकिन ये रखा हुआ और देखो वो बना हुआ भूत भैया, हम भी भूत बने आए, देखते कोई है तो नहीं गाइस। कोई है तो नहीं, चलो रोक्षी पांडा तुम दोनों ही घूम लो। गाइस अपनी लोकेलिटी में तो कुछ भी नहीं है, अब करते हैं व्लॉग को एंड यहीं पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बता देना किसको कैसा लगा। जो भी मैं हेलोवीन का जो भी आपने देखा मैं दिखा पाया वो मैंने पूरा अच्छी तरह दिखाया, बाकी तो थोड़ा बिजी स्केड्यूल होने के साथ साथ हम जो है इधर उधर जा नहीं पाए ज़्यादा, बट इतना था मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। आगे क्रिसमस आएगा और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।